आज बुधवार का दिवस है, बुधवार गणेश जी का भी दिन होता है और समृद्धि का भी दिन मानते हैं और हरे भरे का स्वरूप भी गणपति को मानते हैं और हम लोग तो काम की शुरुआत को विशेष श्रेष्ठ दिन बुधवार मानते हैं। मैं मानता हूँ राजस्थान की सुख शांति समृद्धि और रिद्धि सिद्धि का आज बजट आने वाला है। मैं पूर्व में ही संपूर्ण राजस्थान को और हमारे हम सबके आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब और वित्त मंत्री हमारी दिया कुमारी जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा पहले पूर्व में ही ध्वनि कि आप हमारे लिए ऐतिहासिक बजट संपूर्ण राजस्थान के विकास के लिए अग्रणी राजस्थान विकसित राजस्थान आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प और सपना है गुजरात की तरह संपूर्ण भारतवर्ष में विकास डेवलप हो, डेवलपमेंट आगे बढ़े, विकास की गति पकड़े, उसी क्रम में मानता हूँ क्या युवा, क्या किसान, क्या व्यापारी वर्ग, क्या नौकरी पेशे वाले, यानी संपूर्ण राजस्थान के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक गरीब कल्याण योजना भी हो और प्रत्येक व्यक्ति का इस बजट के माध्यम से विकास डेवलपमेंट भी हो, उन सब बातों को ध्यान रखते हुए ऐतिहासिक आधारशिला आज बजट के माध्यम से रखी जा रही है। विपक्ष की तो बातें इसलिए मत करो कि साहब विपक्ष ने 5 साल 5 स्टार होटल में बिता के समय खराब किया है, गुमराह किया और विज्ञापन की सरकार रही, विज्ञापन की सरकार ने 5 साल इस प्रदेश के 50 साल पीछे छोड़ दिया, प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। आज तक लोगों की सैलरी और पेंशन तक उन्होंने दीन दे पाए और अनगिनत कर्जा दूसरे नंबर पर राजस्थान को उन्होंने ला छोड़ दिया। सिर्फ घोषणाएं की, काम कुछ किया नहीं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब, 7 महीने में 3 महीने काम करने का एक मौका मिला है, कुछ चुनाव और कुछ सरकार गठन में समय निकला, उसके बाद उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए और जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, आप माने साइबर क्राइम हो रहा था, आज 0 पर आने वाला है, साइबर क्राइमों को घुटने पर ला दिया, आज उनकी स्थितियां क्या है। इसी प्रकार से पेपर लीक के मामले थे, पेपर लीक में आज संपत्तियां जब्त हो रही है और उनकी क्या स्थितियां कर दी है कि दोबारा सोच भी नहीं सकता, सपने में भी आएगा तो पेपर लीक वाला कांपने लगेगा जो गत कर दी उनकी। इसी प्रकार से ERCP के जो तय हुए कार्य वो गति पकड़ रहे हैं और आज किसानों के लिए हो कि हमारे क्षेत्रवासियों के जल के लिए हो, ये समस्या का समाधान हो रहा है क्योंकि ये कृषि प्रधान भी प्रदेश है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियों के लिए अनगिनत योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को गति विकास की, अब तक 45% से ऊपर कार्य सिद्ध हो गए और अब तक की सरकारें आई विशेषकर कांग्रेस काल की, उन्होंने 5 साल घोषणाएं किए, काम कुछ किया नहीं। यहाँ पर तो माने 45-50% काम होने वाले हैं, यानी जब 7 महीने में इतनी गति पकड़ी है तो आगे आने वाले समय में तो ये माने कि आने वाले 50-100 साल की योजनाएं बनेगी। बिल्कुल लाना चाहिए, हमने पूर्व में निवेदन किया हुआ है कि आने वाले समय में जिस कतर बैलेंस बिगड़ रहा है, अनुपात घट रहा है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज इस प्रकार से जो बैलेंस बिगड़ गया पूरे प्रदेश का, और पलायन की समस्या दूर होनी चाहिए। साथ ही हमारे किराएदार वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, कहीं हमारे यहाँ राजस्थान में कहीं पिछली सरकार के संरक्षण में कई गैंग और कई अपराधी जो यहाँ छुपे पड़े थे, हालांकि काफी कुछ सफाई हो गई लेकिन अभी भी हैं, तो किराएदार वेरिफिकेशन होगा तो उसमें वो भी निकल जाएंगे। अब बुलडोजर की आवश्यकता होगी तो चलाए जाएंगे, डेवलपमेंट के लिए बुलडोजर भी चलाने पड़ते हैं, JCB की भी जरूरत पड़ती है, अगर डेवलपमेंट करना है तो कहीं ना कहीं इन सब की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस बार बार कह रही है अतिक्रमण को लेकर कि 50 साल से जो रह रहे हैं उनके ऊपर इन्होंने अतिक्रमण किया है। साहब 50 साल से रह रहे हैं या 100 साल से रह रहे हैं, उनको सबको अपना कुछ ना कुछ तो कागज पेश करना पड़ता है और जो कोई 2-5 साल में रहे आकर 50 साल बोलते हैं कब्जाधारी, तो वो तो जांच का माध्यम है, जांच होगी उसकी, ऐसा नहीं है किसी गरीब का नुकसान नहीं होगा, किसी गरीब का नुकसान होने भी नहीं देंगे, लेकिन कहीं बांग्लादेशी या रोहिंग्या या बाहर के कोई गलत गतिविधियों के लोग यहाँ कर अतिक्रमण कर रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग भी उनकी वजह से बदनाम हो रहे हैं, यहाँ का अपराध उस वजह से अगर हो रहा है उसे रोकने की तो आवश्यकता है।